22 जनवरी को अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में सिर्फ 2 दिन शेष बचे हैं। उससे पहले प्राण प्रतिष्ठा के सारे अनुष्ठान विधिवत पूरे किए जा रहे हैं। सभी अनुष्ठानों को विधिवत संपन्न करने के लिए जिन मुख्य यजमान डॉक्टर अनिल मिश्रा और उनकी पत्नी उषा मिश्रा को चुना गया है, आइए जान लेते हैं उनके बारे में। डॉक्टर अनिल मिश्रा ने राम मंदिर आंदोलन में बहुत सक्रिय भूमिका निभाई है। वे सरकार द्वारा गठित राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सदस्य हैं। उत्तर प्रदेश के अम्बेडकर नगर जिले में जन्मे डॉक्टर मिश्रा करीब 4 दशकों से अयोध्या शहर में अपना होम्योपैथिक क्लिनिक चला रहे हैं। 1981 में उन्होंने बैचलर ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन एंड सर्जरी में डिग्री प्राप्त की थी। वह उत्तर प्रदेश होम्योपैथिक बोर्ड के रजिस्ट्रार और गोंडा के जिला होम्योपैथिक अधिकारी पद से रिटायर होने के बाद प्राइवेट प्रैक्टिस कर रहे हैं। डॉक्टर अनिल मिश्रा लंबे समय से ही आरएसएस से जुड़े हुए हैं। आरएसएस के सक्रिय सदस्य के रूप में उन्होंने आपातकाल का विरोध किया था, इसके बाद राम मंदिर आंदोलन में सक्रिय रहे। खबर आपकी, नजर हमारी, देखते रहिए आई इंडिया।